तो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। जय हिंद। कैसे हो सभी लोग? और यार बैकग्राउंड में फिलहाल के लिए आप जो लिवरी देख पा रहे हो अपने वेब 5 लोकोमोटिव की, तेजस लिवरी, ये यहाँ पर ऐड नहीं की गई है, यहाँ पर ये बनाई गई है। किसने बनाई है? तो भाई यहाँ पर मैंने ही बनाई है। और यहाँ पर आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से ऐसी ही लिवरीज आप अपने खुद से बना सकते हो और उसे अपने गेम में ऐड कर सकते हो। पिछले कुछ वीडियोस में यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि किस तरह से यहाँ पर आप अपने सेलर अकाउंट को क्रिएट कर सकते हो। तो अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी है तो वो वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर ऊपर आई बटन पर वो लिंक आ रही होगी। अब सेलर अकाउंट किस लिए बनाना ज़रूरी है? तो भाई यहाँ पर सेलर अकाउंट की मदद से यहाँ पर जो भी अपनी लिवरीज़ को बना के पब्लिक को दिखाना चाहते हैं या फिर वो चाहते हैं कि उनकी लिवरीज़ को पब्लिक डाउनलोड करके प्ले करे, तो उनके लिए यहाँ पर सेलर अकाउंट बनाना ज़रूरी है। और पब्लिक को भी यहाँ पर बनाना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप यहाँ पर जो भी लिवरीज़ आप डाउनलोड करना चाहते हो अपने मनपसंद लिवरी, उन लिवरी को डाउनलोड करके अपने गेम में ऐड कर पाओ। तो नॉर्मल पब्लिक और फिर जो यूट्यूबर हैं जो कि यहाँ पर अपनी लिवरीज को बनाना चाहते हैं, उनके लिए यहाँ पर सेलर अकाउंट बनाना बहुत ज़रूरी है। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो जाके देख सकते हो। और स्पेशली यूट्यूबर्स के लिए यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है ताकि यहाँ पर आप अपनी पब्लिक को अट्रैक्ट कर सको अच्छी से अच्छी लिवरी बना के अपने चैनल पे। तो अगर आप लोग चाहते हो कि यहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा लिवरी बनाओ तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको सीखना ही पड़ेगा कैसे आपको लिवरी बनानी है। तो वही मैं पूरा आपको आज की इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ। अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर भाई इसे बनाने के लिए हमें महंगे से महंगे लैपटॉप या फिर पीसी की ज़रूरत नहीं है। भाई मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, सिंपल सा, आपको सिर्फ एक एंड्रॉयड मोबाइल की ज़रूरत है। अगर पीसी या लैपटॉप है तो वेल एंड गुड। फिलहाल के लिए मैं जो आपको सिखाऊंगा यहाँ पर मोबाइल में बनाना सिखाऊंगा क्योंकि बहुत सी ऑडियंस के पास यहाँ पर लैपटॉप अवेलेबल नहीं है। तो मोबाइल में बनाना सिखाएंगे, पूरा एक एक चीज़ मैं आपको अच्छे से डिटेल में बताने की कोशिश करूँगा। वीडियो को यार पूरा ध्यान से वॉच करना ताकि यहाँ पर एक भी चीज़ अगर आप मिस कर जाते हो तो फिर मेरे पास कमेंट आने लगते हैं कि भाई यहाँ पर ये चीज़ कैसे हुई है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को एंड तक अच्छे से वॉच करना, अगर कहीं भी नहीं समझ में आए तो उसे बैक करके देख लेना। तो शुरू करते हैं, पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ। वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके जाना। चैनल पर पहली बार आए हो तो आगे और सी और वीडियोज़ देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। फिलहाल के लिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि एक लिवरी को बनाने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो भाई सबसे पहली जो ज़रूरत पड़ेगी वो है अपनी लिवरी टेम्पलेट या फिर टेक्सचर की। जिस भी टेक्सचर के ऊपर आप अपनी मनपसंद लिवरी बनाना चाहते हो, उसे क्रिएट करना चाहते हो, तो वो टेक्सचर यहाँ पर आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। वो कैसे करना है वो मैं आपको आगे बताऊँगा। दूसरी चीज़ आपको ज़रूरत पड़ेगी अपने ZRCver एप्लीकेशन की। तीसरी चीज़ यहाँ पर आपके पास अगर कोई भी एडिटिंग ऐप है, पिक्सआर्ट या फिर पिक्सल लैब, अगर पिक्सआर्ट है तो वेल एंड गुड है, लेकिन पिक्सल लैब भी यहाँ पर अच्छे से अच्छी लिवरीज आप पिक्सल लैब की भी मदद से बना सकते हो। तो पिक्सल लैब या फिर पिक्सआर्ट एप्लीकेशन फिलहाल के लिए मैं आपको सिखाऊंगा अपने पिक्सल लैब एप्लीकेशन में, तो आप पिक्सल लैब ही मैं आपको रिकमेंड करूंगा। तो सबसे पहले लिवरी टेम्पलेट, अपना ZRCver एप्लीकेशन और यहाँ पर पिक्सल लैब। तो इन चीज़ों की जरूरत पड़ने वाली है आपको लिवरी को बनाने के लिए। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से यहाँ पर आपको लिवरी टेम्पलेट को डाउनलोड करना है। भाई लिवरी टेम्पलेट या फिर टेक्सचर को डाउनलोड करने के लिए आपको आना होगा यहाँ पर अपने टीम फ्लायर marketplace.com की वेबसाइट पे। और यहाँ पर मैंने टच ट्रेजेक्ट्री का जो ऑप्शन है वो एनेबल कर दिया है ताकि जहाँ पर भी मैं टैप करूँ यहाँ पर आपको क्लियर दिखाई दे। तो लिवरी डाउनलोड करने के लिए, टेम्पलेट डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर आपको सबसे नीचे आना है और यहाँ पर सबसे नीचे आपको एक शॉप का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ और थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ पर एक शॉप्स का जो ऑप्शन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर फिलहाल के लिए मैं इस पर टैप कर देता हूँ। जैसे ही आप यहाँ पर इस पर टैप करोगे, सबसे ऊपर आपको टीम फ्लायर नाम का एक आइकन देखने को मिल जाएगा। इस पर आपको टैप करना है और यहाँ पर आपको ऐड को कट कर देना है और यहाँ पर आपके सारे जो है वो लिवरी अवेलेबल रहेंगे। ये आपका टीम फ्लायर का ऑफिशियल पेज है और इसी पेज पर आपको जो भी लिवरी चाहिए वो यहाँ पर आपको मिल जाएगी। जैसे ICF कोच की लिवरी है, कोल वैगन की है, कैबूस की है और इसी तरह से अब मुझे यहाँ पर वेब 5 की लिवरी डाउनलोड करनी है क्योंकि मैं वेब 5 पे टेक्सचर बनाना चाहता हूं। तो यहां पर आपको नीचे आना है, वेब 5 पे टैप करना और यहां पर आपके पास एक डाउनलोड करने का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएगा। अब यहां पर देख सकते हो, तो जैसे ही आप यहां पर इस पर टैप करोगे, मैं टैप कर देता हूं, तो आपकी जो फाइल है वो यहां पर डाउनलोड होने लगेगी। डाउनलोड होने दो, आप जैसे सकते हो मेरी जो फाइल है वो डाउनलोड हो गई है। इसी तरह से यहाँ पर आपको हर लोकोमोटिव या फिर कोचेस की लिवरी को डाउनलोड कर लेना है जिसमें भी आप टेक्सचर बनाना चाहते हो। तो इसको डाउनलोड करने के बाद अब हम मिलते हैं यहाँ पर अपने ZRCver एप्लीकेशन में। ओके, तो यहाँ पर हमने अपने ZRCver एप्लीकेशन को ओपन कर लिया और यहाँ पर आपको डाउनलोड का नीचे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इस पर यहाँ पर आपको टैप करना और सबसे नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपकी जो एक फाइल है वो क्रिएट हो चुकी होगी टीम फ्लैट डिजिटल फाइल नाम से। अब इस पर आपको एक बार टैप करना है और यहाँ पर आपको एक्सट्रैक्ट हेयर का जो सेकेंड ऑप्शन है वो देखने को
मिल जाएगा, इस पर आपको टैप कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पर आपके पास एक वेब 5 नाम से फोल्डर बन जाएगा, उसको आपको ओपन कर लेना है। अब इसी में आपके जो टेक्स्चर्स हैं वो यहाँ पर अवेलेबल रहेंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर आपको सबसे पहला वाला टेक्स्चर ओपन करके दिखाता हूँ। इस पर यहाँ पर आपको टैप करना है और ओपन करना है, और वेब 5 FB यानी कि वेब 5 frontback.png इस नाम से आपका जो है, और एक और टेक्स्चर है वेब 5 LR यानी कि वेब 5 LR। FB का मतलब हुआ यानी यहाँ पर फ्रंट और बैक, यानी कि ये वाला जो टेक्स्चर है ये आपका फ्रंट का टेक्स्चर है, और ये वाला जो टेक्स्चर है ये फ्रंट वाला है और ये बैक का है, यानी कि ये इंजन के आगे का हिस्सा है। अगर आप इस पर कुछ डिज़ाइन करोगे तो इंजन के आगे वाले हिस्से में वहाँ पर चिपकेगा, और यहाँ पर कुछ डिज़ाइन करोगे तो ये पीछे वाले हिस्से में चिपकेगा। ठीक इसी तरह से यहाँ पर आपको एक LR नाम से देखने को मिल जाता है, इसको आपको ओपन कर लेना है। जो आप ऊपर का हिस्सा देख पा रहे हो ये इंजन का लेफ्ट साइड का हिस्सा है, और ये वाला जो है ये इंजन का राइट साइड का हिस्सा है। इस पर अगर आप कुछ डिज़ाइन करोगे तो इंजन के लेफ्ट और राइट साइड में वो लिवरी जो है वो अटैच हो जाएगी। अब यहाँ पर ये जो नाम आप देख पा रहे होगे web5fb.png web5lr.png इन नाम की यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। जब भी आप अपनी फाइनल लिवरी बनाओगे, जब भी आप उसको यहाँ पर अपने जेड अचीवर की मदद से उसके अपने गेम में ऐड करोगे तो आपको इसी नाम से ऐड करनी होगी। अगर आपने एक भी लेटर स्मॉल किया या फिर कैपिटल किया, जैसे कि अगर आपने W को यहाँ पर कैपिटल कर दिया तो, और अगर आपने F को स्मॉल कर दिया तो आपकी जो लिवरी है वो ऐड नहीं हो पाएगी। जिस फॉर्म में ये नेम लिखा है उसी फॉर्म में यहाँ पर आपको अपने फाइनल लिवरी को उसी नाम से सेव करना है और फिर अपने गेम में ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात हो गई कि यहाँ पर इन नाम का क्या इंपॉर्टेंस है। अब यहाँ पर इसको आपको अपने गैलरी में सेव कर लेना है, और अब मैं यहाँ पर आपको ले चलता हूँ अपने पिक्सल लैब एप्लीकेशन में। मेन काम यहाँ पर मैं आपको सिखाता हूँ कि कैसे लिवरी आपको बनानी है। तो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ अपने पिक्सल लैब एप्लीकेशन में, और अब मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कि आपको लिवरी कैसे बनानी है। तो सबसे पहले आपको ये वाला जो टेक्स्ट है इसको डिलीट कर देना है, देन ऊपर यहाँ पर आपको 3 डॉट पर क्लिक करना है, और यहाँ पर यूज इमेज फ्रॉम गैलरी जो कि फर्स्ट ऑप्शन है इस पर क्लिक करके अपनी इमेज को यानी कि टेक्स्चर को इम्पोर्ट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं अपना पहला टेक्स्चर यहाँ पर जो है मेरा ये LR है, लेफ्ट और राइट का टेक्स्चर, इसे मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको टिक कर देना है, और इसी में अब आपको डिजाइनिंग करनी है। अब यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आपको एक ही टेक्स्ट के बगल में देखने को मिलेगा इंपोर्ट का, इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पर मैंने तेजस का जो टेक्स्चर है मैंने पहले से ही डाउनलोड करके रखा है, आपको भी इसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। और यहाँ पर अब इसी को आपको डिजाइनिंग करनी है। तो अब इसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसा कि मैंने बताया कि ये इंजन का लेफ्ट वाला हिस्सा था और ये इंजन का राइट वाला हिस्सा था। अगर हम लेफ्ट में कुछ करेंगे तो वो लिवरी लेफ्ट में अटैच होगी, राइट में करेंगे तो राइट में अटैच होगी। तो इस तेजस के टेक्स्चर को यहाँ पर आपको इस तरह से ऊपर लेके जाना है और अपने पूरे लेफ्ट वाले पार्ट में अच्छे से अटैच कर देना है। अब यहाँ पर आपको इस तरह से खिसकाना नहीं, इस तरह से खिसकाओगे तो लिवरी बेकार हो जाएगी। यहाँ पर आपको इसको छोटा करना है, मैं इस तरह से कर लेता हूँ, और परफेक्टली आपको एकदम अच्छे से लेफ्ट वाले पूरे टेक्स्चर पर चिपका देना है। ठीक है, इसको करने के बाद इतना आपका एरिया कवर हो गया, इस पर टैप करना है, यहाँ पर कॉपी का ऑप्शन आएगा, और फिर इस टेक्स्चर को अपने टेक्स्चर को साइड में खिसका देना है। जैसे ही आप साइड में खिसकाओगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने खिसका दिया इसको अच्छे से। और इसको इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पर आपके पास एक पोजीशन का ऑप्शन है, इस यहाँ पर आप इसकी वैल्यू को कम करके ऊपर नीचे कर सकते हो। तो मैंने इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया है। तो अब मेरा इंजन का जो लेफ्ट वाला हिस्सा है वो यहाँ पर तैयार हो चुका है। आप देख सकते हो कितना ज़्यादा सिंपल है, कोई बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो लेफ्ट वाला हिस्सा मेरा तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर आपको एक कैप का ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको नीचे एक राइट और रॉन्ग का ऑप्शन देखने को, इस पर टैप करना है, इन दोनों पर टैप करना है, और फिर से यहाँ पर इसको मर्ज कर देना है। जैसे आप इसको मर्ज कर दोगे तो आपके ये जो ऑब्जेक्ट हैं दोनों मर्ज हो जाएंगे। अब इस पर आपको टैप करना है, कॉपी करना है, और इसे यहाँ पर ऐसे ड्रॉप करके ड्रैग करके नीचे ले आना है। जैसे आप यहाँ पर इसको नीचे ले आओगे तो आपका जो इंजन का लेफ्ट वाला हिस्सा है वो भी यहाँ पर तैयार हो जाएगा। तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ। जो जैसा भी टेक्सचर आपको बनाना है आप अपने हिसाब से यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हो। प्रोसेस मैंने आपको बता दिया, एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर आपको अभी सिंपल सी ही लिवरी बना के दिखा रहा हूँ। थोड़ा सा मैं यहाँ पर इसको बड़ा कर लूँगा ताकि मेरे जो लोकोमोटिव है उसमें यहाँ पर जो वाइट स्पेस है वो ना दिखे, पूरा टेक्सचर कवर हो जाए। ओके, तो ये वाला जो मेरा टेक्सचर है अब ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर आप इसको लॉक कर सकते हो, कहीं भी छूओगे आप ये हिलेगा नहीं। तो अब मेरा जो लेफ्ट और राइट वाला पोर्शन है अब यहाँ पर ये तैयार हो चुका है। यहाँ पर 3 डॉट पर जाना है, एक्सपोर्ट इमेज, और यहाँ पर आपको PNG सेलेक्ट करके डिफ़ॉल्ट की वैल्यू को अल्ट्रा करके सेव टू गैलरी कर लेना है। तो पुरानी जो हमने लिवरी बनाई थी उसको यहाँ पर मैंने गैलरी में सेव कर लिया। और अब एक बार आपको फिर से अपना पिक्सल लैब एप्लीकेशन ओपन करना है। अब हम यहाँ पर इंजन के फ्रंट और बैक वाले पोर्शन को तैयार करेंगे। तो फिर से आपको वही प्रोसेस करना है, 3 डॉट पर जाना है और अपनी लिवरी को इम्पोर्ट करना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाला जो हिस्सा है ये इंजन का बैक का हिस्सा है, तो सॉरी मेरे से स्ट्रेच हो गया। यहाँ पर आपको जाना है और इसके साइज़ को यहाँ पर आपको रेड वाले पोर्शन तक अच्छे से बड़ा कर देना है। ठीक है, इस तरह से आपका ये बड़ा हो गया। अब चाहो तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा आप स्ट्रेच कर सकते हो, क्योंकि स्ट्रेच करने से ये ज़्यादा फ़र्क नहीं डालेगा।
तो इसको आपको इस तरह से स्ट्रेच कर लेना है। तो आपके इंजन का पीछे वाला जो हिस्सा है वो यहाँ पर रेडी हो चुका है इम्पोर्ट, और हमने नई इमेज ले ली है। इसको यहाँ पर आपको थोड़ा सा इस तरह से बड़ा करना है, यहाँ पर इस तरह से, ठीक, ये आपका हो गया। और फिर से आपको इसको कॉपी करना है और अपने नीचे वाले हिस्से में ले आना है इस तरह से कुछ। तो आप अपने हिसाब से एडजस्टिंग कर सकते हो। तो मेरा ये जो फ्रंट हिस्सा है वो यहाँ पर रेडी हो चुका है। यहाँ पर आपको जाना है, इन तीनों इमेजेस को यहाँ पर मर्ज कर लेना है। तो अब आपकी जो इमेजेस हैं यहाँ पर मर्ज हो चुकी है, यहाँ पर आपको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। और अब आपका जो इंजन का फ्रंट और बैक वाला हिस्सा है वो भी यहाँ पर तैयार हो चुका है। यहाँ पर आपको 3 डॉट पर जाना है, एक्सपोर्ट इमेज पर जाना है, डिफ़ॉल्ट की वैल्यू को अल्ट्रा करना है, JPG PNG में सेलेक्ट कन्वर्ट करना है और यहाँ पर आपको सेव कर लेना है। तो पिक्सल लैब में फ़ोटो को सेव करने के बाद अब यहाँ पर आपको अपनी गैलरी में आ जाना है। और यहाँ पर मैंने जो 2 टेक्सचर बनाए थे, अब यहाँ पर मैं इनका जो नेम है वो यहाँ पर चेंज करूँगा। ये मेरा फ्रंट और बैक वाला टेक्सचर है, तो यहाँ पर मैं यहाँ पर टैप करूँगा, मोर पे जाऊँगा और यहाँ पर इसको जो है मैं रीनेम कर दूँगा उसी नाम से जिस नाम से हमने इस लिवरी को डाउनलोड किया था। यहाँ पर आपको जाना है, अब ये मेरा फ्रंट और बैक का टेक्सचर है। यहाँ पर वेब 5 कैपिटल में FB.png, ठीक है, इस नाम से आपको सेव करके ओके कर देना है और यहाँ पर ओके कर देना है। तो हमारी जो लिवरी है यहाँ पर सेव हो चुकी है। यहाँ पर डिटेल देख सकते हो आप, web5fb.png। अब यहाँ पर इसी तरह से आपको लेफ्ट और राइट वाली जो लिवरी है उसको अभी नाम जो है वो चेंज कर लेना है। मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, web5lr.png, ठीक है, यहाँ पर आपको ओके कर देना है। तो इतना काम आपको कर लेने के बाद अब आपकी जो लिवरी है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। अब जो हमारा फाइनल काम बचा है इसको अपने गेम में ऐड करना, वो मैं आपको दिखाता हूँ। आपके द्वारा बनाई गई हुई लिवरी को गेम में ऐड करने के लिए यहाँ पर आपको आना है अपने ZArchiver एप्लीकेशन में, और यहाँ पर आपको ऊपर सर्च का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर आपको सर्च करना है web5fb। तो जिस नाम से हमने सेव किया था उसी नाम से यहाँ पर आपको सर्च करना है। सर्च होने के बाद यहाँ पर आपको नीचे एक देखने को मिल जाएगा अपना फोल्डर web5.png.png, 2 बार सेव हो गया, कोई नहीं, हम यहाँ पर इसको रीनेम कर लेंगे। तो अब इसी को आपको अपने जैसा कि आप देख सकते हो जो हमने टेक्सचर बनाया था वो अपना आ चुका है। सर्च करने के बाद आपका जो टेक्सचर है वो आ जाएगा। इसको यहाँ पर आपको टैप करना है, देर तक टैप करना है, सॉरी, यहाँ पर इससे कॉपी करना है। फिर यहाँ पर अपने एंड्रॉयड में जाना है, डेटा में जाना है, com.IndianRailway Transmitter नाम से एक फोल्डर आएगा यहाँ पर आप देख सकते हो, इस पर जाना है, फाइल्स में जाना है, लोकोमोटिव्स में जाना है, वेब फाइव में जाना है और यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। पेस्ट कर देने के बाद यहाँ पर आपको इसको रीनेम करके केवल एक ही बार यहाँ पर PNG रहेगा, 2 बार PNG हम नहीं लिख सकते, इसका जो फॉर्मेट है वो गलत हो जाएगा। अब आप देख सकते हो ये जो है वो यहाँ पर रीनेम हो गया है। अब हम यहाँ पर अपने जो हमने लेफ्ट और राइट वाला टेक्सचर था जो हमने बनाया था उसको भी यहाँ पर हम इसमें ले आएंगे। यहाँ पर बैक आने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है web5lr, जो कि हमारा लेफ्ट वाला टेक्सचर जो हमने बनाया था। पर आप देख सकते हो ये सर्च हो गया और यहाँ पर फिर से हमारा जो 2 नाम से सेव हो गया, कोई नहीं, यहाँ पर आप इसको रीनेम कर सकते हो। यहाँ पर आपको देर तक टैप करना है, कॉपी करना है, एंड्रॉयड में जाना है, डेटा में जाना है, com.IndianRailway Train Simulator यहाँ पर ये रहा, फाइल्स में जाना है, लोकोमोटिव्स में जाना है, वेब फाइव में जाना है और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट कर देने के बाद सिंपल से इसका जो नाम है इसको यहाँ पर PNG हटा देना है और डन कर देना है। तो आपका जो टेक्सचर है वो अब अपने वेब फाइव लोकोमोटिव में जा चुका है और आप अपना गेम जब ओपन करोगे तो आपका जो टेक्सचर है वो यहाँ पर रेडी हो चुका होगा। अब यहाँ पर सेम इसी प्रोसेस से आपको जो भी आप देख सकते हो यहाँ पर जो वेब 4 है, अगर मैंने इसमें टेक्सचर बनाया है तो इसमें आपको पेस्ट करना है नाम वाम चेंज करके। जो भी प्रोसेस है वो मैंने आपको पूरा बता दिया है। अब मैं यहाँ पर आपको गेम में ओपन करके दिखाता हूँ। आप देख सकते हो ये रही हमारी लिवरी जो हमने अभी डिज़ाइन करी थी, जो कि मैंने आपको डिज़ाइन करके बताई थी। तो इस तरह से ये पूरा प्रोसेस है जो आपको लिवरी बनानी है, गेम में ऐड करना है, कैसे पैम्पलेट जो है वो डाउनलोड करना है। अब ये लिवरी जो है वो आपको मेरे पेज पे मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक होगी। सेम प्रोसेस है, आपको डाउनलोड करना है, देन उसके बाद यहाँ पर आपको एक्सट्रैक्ट करना है और उसका नाम चेंज करके सिंपल से अपने फोल्डर में आके पेस्ट कर देना है। अगर आपको डाउनलोड करना है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तेजस लिवरी को आप डाउनलोड करके प्ले कर सकते हो। अगर आपको ना आए कि कैसे आपको उसको वेबसाइट से डाउनलोड करके गेम में ऐड करना है तो उसकी भी मैं आपको बता दूंगा। वैसे सेम प्रोसेस है, आपको जैसे ही डाउनलोड करोगे आपके पास एक जिप फाइल खुल जाएगी, उस जिप फाइल को आपको यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसको सिंपल से अपने com.IndianRailway Transmitter वाले फोल्डर में, फाइल्स में आके, लोकोमोटिव्स में, वेब फाइव में आके पेस्ट कर देना है। सिंपल सा प्रोसेस है, अगर आपको ना आए तो बता देना, मैं यहाँ पर आपको जब भी मैं कोई नेक्स्ट डिलीवरी लेके आऊँगा तो उसमें मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह से आपको ऐड करना है। अब इसको चला भी सकते हो, यार मैं चला क्यों नहीं रहा, देख सकते हो चलेगी, बिल्कुल बिंदास चलेगी, दौड़ेगी। हमने जो है बिल्कुल थोड़ी सी यहाँ पर आप देख सकते हो जो इसका बैक है थोड़ी सी हमने यहाँ पर दिक्कत कर दी थी, कोई बात नहीं,
अगले जो टेक्सचर आएंगे उसमें हम क्लियर बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये थी आपकी पूरी वीडियो, अगर आपको समझ में आई हो और अगर पसंद आई हो तो वीडियो को भाई लाइक करके जाना। चैनल पर पहली बार आए हो, आगे ऐसी और वीडियोज़ देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे किसी वीडियो के साथ। दिस इज साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।